हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं करने वाला हूँ इस वाले स्केच की शेडिंग, और मैं इधर ऊपर से इसकी शेडिंग करूँगा। और इससे पहले मैंने आउटलाइन और फेस की शेडिंग किस तरीके से कर सकते हैं वो मैंने बताया था। आपने अगर से वो वीडियो नहीं देखे हो तो आप नीचे जाके देख सकते हो, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और आज मैं इसमें करूँगा ऊपर की शेडिंग, हेयर्स की, और ऊपर जो ज्वेलरी वगैरह है उनकी सबकी शेडिंग करेंगे हम आज। और मेरे पास है ये सब मटेरियल, पेंसिल और जो जो टूल्स का मैं यूज़ करूँगा मैं बताते भी जाऊँगा। और अगर से आपको इनको बाय करना है तो आपको नीचे भी इनकी भी डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं 10B पेंसिल से, सॉरी 8B पेंसिल का यूज़ करके ये जो ऊपर रोज़ है, ऊपर सर पे जो फ्लावर वगैरह है, तो जितनी जगह से फ्लावर है वहाँ पर मैं सबसे पहले इस तरीके से शेड कर लूँगा। देखिए किस तरीके से फ्लावर का पैटर्न ड्रॉ करने के लिए पहले हमको कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना होगा। हल्के हल्के से पहले जितनी जगह में फ्लावर है उनको मैं इस तरीके से शेड कर लेंगे। देखिए, और आपको ये रेफरेंस फ़ोटो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आके आप डाउनलोड करके इसको ड्रॉ कर सकते हो। तो देखिए अभी मैंने इस तरीके से फ्लावर की शेडिंग कर लिया हूँ, इधर से भी करेंगे हम अभी। अब इसके बाद डार्क ग्रेड की पेंसिल का यूज़ करके हम फ्लावर को इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। देखिए किस तरीके से, जिस तरीके से लाइंस दिख रही होगी ऊपर, मतलब कि डिज़ाइन, मतलब जिस तरीके के फ्लावर होते हैं जहाँ डार्क जो हिस्से दिखते हैं उनको हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो ऊपर की जो ज्वेलरी है उसको देखिए मैं किस तरीके से, पहले मैं हल्की सी आउटलाइन को हल्की हल्की डार्क करके मैं उसके आसपास शेडिंग कर लूँगा। इसके बाद मैं इसकी डिटेलिंग ऊपर की ज्वेलरी की बाद में करूँगा। और अभी मैं हेयर्स में डार्क पेंसिल का यूज़ करूँगा, जो कि है मेरे पास कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल। ये काफ़ी डार्क होती है तो इसका यूज़ करूँगा मैं। हेयर्स को देख सकते हैं आप कितने डार्क दिख रहे हैं, तो हम इसको डार्क कर सकते हैं एकदम। अब इसके बाद मैं ब्रश का यूज़ करके बालों को ब्लेंड कर दूंगा और फिर हल्के हल्के और डार्क कर लूँगा। और ये पेपर है काफ़ी नॉर्मल पेपर है तो इसमें हेयर्स काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं दिखते। अभी जो ऊपर हेयर्स में जो पैटर्न है उनको भी मैं इसी पेंसिल का यूज़ करके, चारकोल सॉफ्ट कैमलिन की पेंसिल का यूज़ करके ड्रॉ करूँगा और ब्लेंड कर दूँगा। अभी मैं नीचे के हेयर्स को ड्रॉ करूँगा, देखिए किस तरीके से। और ये जो चारकोल पेंसिल होती है ये काफ़ी डार्क होती है, जो हेयर्स और डार्क हिस्सों को ड्रॉ करने के लिए काफ़ी अच्छी होती है। और अगर से आप ग्रेफाइट के ऊपर चारकोल को चलाओगे तो वो अच्छे से चल नहीं पाती है। इसके बाद मैं ऊपर की ज्वेलरी की शेडिंग करूँगा। सबसे पहले मैं हल्की शेडिंग करूँगा और फिर इसके बाद मैं ऊपर से अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ वाइट जेल पेन का। तो जहाँ पे जो वाइट वाइट डॉट्स जैसे है ज्वेलरी में, हम उनको इस पेन का यूज़ करके बना सकते हैं। देखिए किस तरीके से, जहाँ पे काफ़ी हाईलाइट है वहाँ पे हम इस पेन का यूज़ कर सकते हैं। और अब देखिए आप मैं किस तरीके से फोरहेड की ज्वेलरी को ड्रॉ करता हूँ। आपको एकदम तो समझ में नहीं आएगा कि आप किस तरीके से बनाना है, तो आप अपने हिसाब से भी लगभग वैसी ही बना सकते हो। तो देखिए मैं किस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ, और मैं यूज़ कर रहा हूँ सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। और ब्रश से इसको मैं हल्के से, जो ग्रे इफेक्ट है ज्वेलरी में, ग्रे ज्वेलरी है तो मैं उसको ग्रे कर दूंगा। और फिर इसके बाद मैं ये वाइट चारकोल पेंसिल का यूज़ करके हाईलाइट कर दूंगा ज्वेलरी में। और फिर उसके बाद में जेल पेन का यूज़ करके जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट है उनको मैं ड्रॉ कर लूँगा। और इधर तरफ भी मैं चारकोल पेंसिल का यूज़ करके ज्वेलरी का पैटर्न ड्रॉ कर लूँगा।
देखिए किस तरीके से आपको जहाँ से भी समझ में नहीं आएगा, और तो आपको अच्छे से देखना है कि हम इसी तरीके से कैसे दिखा सकते हैं और हमको ड्रॉ करना है। अभी मैं चारकोल पेंसिल का यूज़ करके देखिए किस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ, और इसको मैं हल्के हल्के ब्रश का यूज़ करके ब्लेंड भी कर दूंगा जिससे हल्का सा ग्रे इफेक्ट हो जाएगा। अब इसको मैं हाईलाइट करूँगा, देखिए किस तरीके से वाइट चारकोल सॉरी वाइट जेल पेन का यूज़ कर रहा हूँ मैं अभी हाईलाइट के लिए। और अभी मैं ये वाले कान को ड्रॉ करूँगा, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा चारकोल पेंसिल का ही, क्योंकि अभी यहाँ पे ग्रेफाइट चलाऊँगा तो अच्छे से काम नहीं कर पाएगी, इसीलिए मैं चारकोल पेंसिल का यूज़ करके मैंने इस वाले कान को ड्रॉ किया था। अब इसके बाद मैं वाइट जेल पेन का यूज़ करके इधर ऊपर से जो मेकअप बोल सकते हैं हम उसको वो करूँगा, इधर नीचे नाक में जो ज्वेलरी है उसको भी मैं इस तरीके से देखिए पहले मैं इस तरीके से ड्रॉ करूँगा, और फिर वहाँ पे मैं वाइट जेल पेन का यूज़ करके उसको ड्रॉ कर लूँगा, देखिए किस तरीके से। अब हल्की हल्की हम फेस की और शेडिंग कर लेंगे ताकि काफ़ी अच्छा दिखे, और मैंने जिन जिन टूल्स का यूज़ किया हूँ उन सब के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं अभी वाइट चारकोल पेंसिल का यूज़ करके आईज़ को हाईलाइट करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं इसकी कंप्लीट शेडिंग करूँगा। आई होप आपको आज का ये वीडियो और स्केच पसंद आया होगा, अगर से पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।